हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल प्रबल बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पांडे और आज हम लोग रिवाइज करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिस्टियम एंड डाइकॉट रूट के बारे में, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। और ये टॉपिक एनाटॉमी, जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं, वाटर के मूवमेंट के बारे में। तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद में इंटरनल रीजन में पाया जाने वाला वैस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम के ट्रेकिड और बेसल्स तक कैसे पहुंचता है, उसके पाथवे को जानने के लिए जब आप सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ते हैं तो उसके डायरेक्शन को जानने के लिए प्लांट का जो एनाटॉमी है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए टॉपिक को, जिसमें हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे डाइकॉटिस्टियम और डाइकॉट रूट के एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो डाइकॉटिस्टियम की अगर हम लोग बात करें पहले, तो इसमें जो है अगर आप किसी भी जो है प्लांट का, जो भी डाइकॉट प्लांट है, अगर जो है उस डाइकॉट प्लांट का आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, सपोज करिए आपने जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, ठीक है, तो अगर जब आप उसमें उसके डिस्टिंक्ट लेयर को देखते हैं तो बाहर से अंदर की साइड में किसी भी प्लांट का, डाइकॉट प्लांट के स्टेम का आप जो है सेक्शन से कट करते हैं, और सेक्शन कैसा कट करें, वो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, ठीक है। तो आउटर से इनर साइड में जो जो लेयर पाई जाती हैं, सीक्वेंस में उस लेयर को समझना, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब आप समझ पाते हैं तो ही अच्छी तरीके से आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, तभी एनाटॉमी को भी समझ पाते हैं और उसके साथ साथ में आप समझ पाते हैं कि ट्रांसपोर्ट आप प्लांट में कि किस डायरेक्शन से वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको एक सिंपल ग्राफ ड्रा किया, तो ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट लेयर, है नहीं, इसे आपने बोल दिया है ये है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और ऐसे आप इधर का आप देखते हैं तो ये इनर साइड के लेयर है, इनर साइड की लेयर होती हैं, इनर रीजन की, सेंट्रल रीजन की लेयर है। तो यहां पे मैंने आपको जो है यहां पे दिखाया है, लिखा हुआ है कि आउटर टू इनर साइड, जब हम लोग बाहर से आउटर रीजन से इनर साइड की तरफ जाते हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो हमें लेयर कौन कौन सी मिलेगी, इस चीज को समझना है। सबसे बाहर हम कह सकते हैं सबसे आउटर साइड में जो ये पहली लेयर होती है, आउटर साइड में जो पहली लेयर होती है इसे एपिडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के बाद में जो सेकेंड लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स, क्या बोलेंगे, कार्टेक्स। इसको आप बिल्कुल फ्लुएंसी में याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद में जो सेकेंड लेयर है वो कार्टेक्स है, और कार्टेक्स में डाइकॉट स्टेम के, याद रखिएगा डाइकॉट स्टेम के कार्टेक्स में जो लेयर है, ठीक है, उस लेयर को हम लोग यहाँ पे तीन सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। तो डाइकॉट स्टेम अगर है तो सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो है उसे हम लोगों ने बोला कार्टेक्स, और कार्टेक्स को भी हम लोग तीन जो है सब लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, जो सबसे बाहर की साइड में है ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है। उसके बाद में हाइपोडर्मिस के बाद में जो लेयर हमें मिल रही है वो जनरल कार्टेक्स है, या जिसको हम कार्टिकल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक नाम और होता है जिसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कार्टिकल लेयर, क्या बोल सकते हैं, कार्टिकल लेयर भी हम इसे कह सकते हैं, किसे, जनरल कार्टेक्स के लेयर को। फिर जनरल कार्टेक्स के बाद जो थर्ड कार्टेक्स की सब लेयर कह सकते हैं, जो थर्ड लेयर है
ठीक है, ये एज ए सब लेयर के फॉर्म में हम कह सकते हैं क्योंकि इन तीनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं कार्टेक्स। तो ये हाइपोडर्मिस कार्टेक्स की पहली लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर सेकेंड लेयर सब लेयर हो गई जनरल कार्टेक्स, या जिसे हम लोग कार्टिकल लेयर भी बोलते हैं। थर्ड लेयर जिसे हम लोगों ने यहाँ पे एंडोडर्मिस बोला। ये तीनों लेयर एग्रीगेट आप जनरली जो है कह सकते हैं ये कार्टेक्स के लेयर है, ठीक है। तो एपिडर्मिस, उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्टेक्स, कार्टेक्स में तीन लेयर हम लोगों ने देख लिया, मतलब जो है एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर आई हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं कौन सी लेयर आई तो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में कौन सी लेयर आई तो हम लोगों ने बोला जनरल कार्टेक्स या कार्टिकल लेयर, और इसके बाद में जो तीसरी लेयर मिल रही है वो एंडोडर्मिस। लेकिन इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स एंड एंडोडर्मिस ऑल थ्री लेयर इज एज ए सब लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद जो आपको लेयर मिलती है वो होती है पेरिसाइकल। क्या होती है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद जो लेयर मिलती है उससे जो है हम लोग बोलते हैं वो वैस्कुलर बंडल हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलेंगे? फ्लोएम, याद रखना है। और फ्लोएम के बाद में जो है, फ्लोएम के बाद में यहाँ पे जो है आपको लेयर जो मिलेगी वो होती है जाइलम, और जाइलम के बाद में सेंट्रल रीजन में पाया जाता है पित्त। तो पित्त जो है आप कह सकते हैं ये इनर रीजन में पाई जाती है, इनर साइड में जो है ये पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सीक्वेंस बोला, अब इसके बाद में मैं और भी कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। पहले लेयर को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि सबसे फर्स्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर जो है कॉर्टेक्स के हम सब लेयर को देखते हैं तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पित्त, ठीक है। अब ये अगर स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, तो डाइकॉट स्टेम में इस चीज को भी आपको याद के रखना है, जो वैस्कुलर बंडल है, जो वैस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम है, ये बनता है जो है कैम्बियम से। कैम्बियम, कैम्बियम इज ए मेरिस्टमेटिक लेयर, और ये डिवाइड होके इनर साइड में बनाता है जाइलम और आउटर साइड में बनाता है फ्लोएम। तो इनके बीच में मेरिस्टमेटिक लेयर होती हैं जो इनर साइड में जाइलम को बनाती हैं और आउटर साइड में कट ऑफ होकर फ्लोएम को बनाती है, इसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और फिर आउटर रीजन में हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर में होती हैं, इनकी कुछ जो है सेल्स एलांगेट होके और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एज ए स्टेम हेयर के लाइक स्ट्रक्चर है। आप जो है जब स्टेम में आउटर साइड में देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, और जो है ये जो है आपको एज ए मल्टी लेयर में दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे इसे नाम दिया जाता है ट्राइकोम का। क्या नाम देंगे? ट्राइकोम का नाम देंगे, ठीक है। तो आउटर टू इनर साइड जो है आप देखते हैं तो ये पूरी सीक्वेंस आपको देखने को मिलती है। एपिडर्मिस के बाहर जो एलांगेशन है सेल का, उसे हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया है ट्राइकोम, ठीक है। क्या कह दिया है? ट्राइकोम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्राइकोम इज द एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस के लेयर से बना हुआ है, और ये मल्टी सेलर होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस को आप फिर से रिमाइंड करिएगा, एपिडर्मिस, देन कार्टेक्स, कार्टेक्स में हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, एंड फिर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद में वैस्कुलर कैम्बियम। क्या हो जाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम, फिर जाइलम, और सेंट्रल रीजन में आपको जो है यहाँ पे क्या दिखाई देगा? पिथ दिखाई देगा। ये तो सीक्वेंस हो गई। एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है कि फिगर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्राइकोम, ट्राइकोम ये मल्टी सेलर है। कैसा है? मल्टी सेलर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको जो है हम लोग इस ट्राइकोम को जो है स्टेम हेयर भी बोलते हैं। क्या कह सकते हैं? ये स्टेम हेयर है, जैसे रूट में रूट हेयर होती हैं, जैसे रूट में आपको रूट हेयर मिलती हैं, ऐसे स्टेम में स्टेम हेयर होती हैं, बट रूट हेयर जो है वो यूनिसेलर होती हैं, वो भी एपिडर्मिस सेल के एलोंगेशन से बनती हैं, अभी आप देखेंगे आगे, लेकिन वो यूनिसेलर है, जबकि ट्राइकोम कैसा है? मल्टीसेलर है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ट्राइकोम कहां से एलांगेट हुआ? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद क्यूटिकल, ये भी आपको याद करके रखना है कि क्यूटिकल से कवर्ड होता है, ठीक है। फिर आपने देखा एपिडर्मिस के बाद कार्टेक्स की तीनों लेयर, आपने जो फर्स्ट सब लेयर देखा था हाइपोडर्मिस, सेकेंड लेयर कार्टेक्स की जनरल कार्टेक्स या कार्टिकल लेयर, और थर्ड लेयर आपने यहाँ पे देखा है एंडोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद जो आपको मिला वो हाइपोडर्मिस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाइपोडर्मिस की सेल किससे बनी होती हैं। तो प्लांट में आप पढ़ते हैं कि पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, ठीक है, कोलेनकाइमेटस सेल होती हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती हैं। तीन तरीके की सेल्स होती हैं जो परमानेंट टिश्यू में आते हैं। ठीक है, अब हाइपोडर्मिस ये किसका बना है? कोलेनकाइमेटस। बिल्कुल याद करके रखिएगा, अगर जो है ये डाइकॉट स्टेम है तो हाइपोडर्मिस आपको किस कौन से सेल का मिलेगा? कोलेनकाइमेटस सेल का मिलेगा। जनरल काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो कार्टिकल लेयर है आउटर साइड में, इनर साइड में आप तीसरी लेयर देख सकते हैं एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के बाद जो कार्टिकल लेयर है ये थिन वॉल है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी। हाइपोडर्मिस की सेल कोलेनकाइमेटस, लेकिन कार्टिकल लेयर की सेल पैरेन्काइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस यहां पे पाया जाता है। ठीक है, थर्ड लेयर एंडोडर्मिस है डाइकॉट स्टेम में, थर्ड लेयर एंडोडर्मिस है किसकी? कार्टिस की। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये फोर्थ लेयर हो जाएगी अगर हम लोग एपिडर्मिस से देखते हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्पेशलाइजेशन ये है कि स्टार्च ग्रेन स्टोरेज होते हैं, पाए जाते हैं इनकी सेल्स में। ठीक है, इसीलिए जो है डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मल लेयर को हम लोग स्टार्च सीथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टार्च सीथ। यही अगर आप डाइकॉट स्टेम रूट में पढ़ेंगे तो यही एंडोडर्मिस वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोली जाएगी, क्योंकि वहां पे स्टार्च ग्रेन के अलावा वहां पे कुछ दूसरा सब्सटेंस होता है जिसे आप सुबेरिन बोलते हैं। सुबेरिन का डिपोजिशन होता है रूट में और वहां पे एंडोडर्मिस कहलाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। लेकिन अगर जो है डाइकॉट स्टेम है तो इसे स्टार्च सीथ बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पेरिसाइकल की बात करते हैं। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के बाद में है, याद रखिएगा, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के बाद में है और ये सेमी ल्यूनार पैचेस, अर्ध चंद्राकार आप फिगर में देखते हैं तो आपको कहते दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है जो सेमी ल्यूनार पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका बना हुआ? तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ है। तो आप खुद देखिए कि डाइकॉट स्टेम में कितने तरीके की सेल मिल रही है। ठीक है, आपको हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमेटस सेल मिल रही है, कार्टिकल लेयर जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल है और पेरिसाइकल में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल होती हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डाइकॉट स्टेम है तो इसका पेरिसाइकल सेमी ल्यूनार पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है। एंडोडर्मिस में क्या स्पेशलाइजेशन है? तो उसमें स्टार्च ग्रेन सेल्स में पाया जाती है, इसलिए एंडोडर्मिस लेयर को स्टार्च सीथ बोलते हैं या उस सेल को स्टार्च सीथ जैसे फॉर्मेशन करती हैं बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों ने देखा, ऊपर भी देखा था हम लोग जब सीक्वेंस में पढ़ रहे थे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, उसके बाद जो आपको मिल रहा है फ्लोएम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्लोएम मिल रहा है, ये आउटर रीजन में फ्लोएम एंड जाइलम इज द पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, फ्लोएम है, फिर फ्लोएम है, कैम्बियम है, उसके बाद जाइलम है। ठीक है, जाइलम यहां पे आपको दो दिख रहा है कि मेटाजाइलम और जो है प्रोटोजाइलम, दो दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्लोएम फिर कैम्बियम फिर जाइलम। जाइलम में जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम मतलब होता है जो पहले बना हुआ जाइलम और मेटाजाइलम जो बाद में बना होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फॉर्म जो पहले बना उसे प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और मेटाजाइलम जो है इसके बाद में बनता है, लेटर फॉर्म, बाद में बना ये मेटाजाइलम है। पहचानेंगे कैसे? मेटाजाइलम की साइज जो है बड़ी होती है। ठीक है, ल्यूमेन उसमें ज्यादा चौड़ा होता है जबकि प्रोटोजाइलम की जो है साइज छोटी होती है। ठीक है, ये कंडीशन क्या होती है कि भाई किसी डाइकॉट स्टेम में देखेंगे तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है सिचुएटेड किस साइड में है, तो एक टर्म आता है, ठीक है, इंडार्च का मतलब क्या हो गया कि प्रोटोजाइलम सिचुएटेड इनर साइड। इंडार्च का मतलब ये हो गया कि प्रोटोजाइलम जो है, ठीक है, प्रोटोजाइलम याद रखना है आपको कि सिचुएटेड इनर साइड में है। तो आप बोलेंगे प्रोटोजाइलम इनर साइड में, तो ऐसे आप याद करते हैं, इन मतलब अंदर की साइड समझ लीजिएगा, इन मतलब अंदर की साइड, तो एंडार्च दैट इज प्रोटोजाइलम इनर साइड में है। प्रोटोजाइलम इनर साइड में है और ये कंडीशन किसमें होती है? स्टेम में होती है। किसमें होती है? स्टेम में होती है। ठीक है, तो स्टेम में एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में, एंडार्च
प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में, तो आप यहां पे देखिए कि मेटाजाइलम बाहर की साइड में है जबकि प्रोटोजाइलम आपको यहां पे इनर साइड में दिखाई दे रहा है। और सेंट्रल रीजन में आप देखते हैं तो यहां पे आपको पिथ दिखाई देता है, पिथ भी पैनकार्मेटर सेल का बना हुआ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इसमें पिथ बड़ा होता है और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आप इस ट्रांसवर्स जो है सेक्शन में देखते हैं तो आप खुद देखिए कि कितने बड़े रीजन में यहां से यहां तक जो है पिथ पाया जा रहा है, और पिथ पैनकार्मेटर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि और सारे जो है पार्ट इसके किनारे किनारे पेरिफेरल रीजन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वही सीक्वेंस में आपको दिखाया गया एपिडर्मल हेयर जिसे ट्राइकोम बोला गया था, क्या बोला गया था, ट्राइकोम बोला गया था, उसके एपिडर्मिस का एलॉन्गेशन था, मल्टीसेलर था, ठीक है याद रखते हैं। उसके बाद फिर हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ, तो कोलेनकाइमेटस का बना हुआ था। फिर उसके बाद में आपने देखा था कार्टिकल लेयर पर पैनकाइमा का बना हुआ, एंडोडर्मिस स्टार शेप था, पेरिसाइकल सेमी ल्यूनर पैचेस में थे, ठीक है, और किसके बने हुए, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल के बने हुए थे। वैस्कुलर बंडल आपने देखा है बाहर फ्लोयम, अंदर की साइड जाइलम, बीच में कैम्बियम। अगर ऐसा वैस्कुलर बंडल है, अगर जो है मैं इस साइड में आपको दिखा देता हूं कि वैस्कुलर बंडल जो है, वैस्कुलर बंडल अगर ऐसा पाया जाए किस तरीके से रहे कि फ्लोयम ऐसे आप समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है कंजॉइंट कोलेक्टल, ये बीच में जो है आप मानते हैं इसे बोला जाता है कैम्बियम, क्या बोलेंगे कैम्बियम। मान लीजिए ये जो है मैंने दिखा दिया ये कैम्बियम है, ठीक है, आउटर की साइड में जो है आउटर रीजन में आपको देखने को मिलता है कि आउटर रीजन में जो है वो होता है फ्लोयम, आउटर रीजन में जो आप देखते हैं वो होता है फ्लोयम। आउटर रीजन में मान लीजिए जो है यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये वाला रीजन है, ये मैंने पीएच मतलब फ्लोएम समझ लीजिएगा। उसके बाद इनर रीजन में आप देखते हैं, इनर रीजन में आप देखेंगे तो इनर रीजन में अगर जो है देखने को मिल जाए कि जो है जाइलम है, आप देखते हैं यहाँ पे ये जाइलम है, ठीक है, तो जो है इसे मैंने एक्स से लिख दिया तो ये हो गया जाइलम, या एक्स वाई लिख दिया तो जाइलम हो गया। तो अगर ऐसा है तो आप खुद सोचिए कि जो है एक तरफ जो है फ्लोयम है, दूसरी तरफ जाइलम है, बीच में कैम्बियम है, कैम्बियम के पाए जाने को बोला जाता है कि ये वैस्कुलर बंडल किस तरीके से है, तो ये वैस्कुलर बंडल बोला जाता है ओपन टाइप का। ये वैस्कुलर बंडल कैसा है, ओपन टाइप का है पहली बात। उसके बाद कंजॉइंट कोलेटरल, ठीक है, इसे कंजॉइंट, इस पोजिशन को कंजॉइंट कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है। जब डिस्क्रिप्शन हम लोग एनाटॉमी पढ़ाते हैं, आप पढ़ेंगे एनाटॉमी के डिस्क्रिप्शन वाले लेक्चर को या रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताया जाता है। बस अभी इतना समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा वैस्कुलर बंडल है कि फ्लोयम एक साइड में, आउटर रीजन में, इनर रीजन में जो है जाइलम, बीच में कैम्बियम, तो ये ओपन टाइप वाला होगा। इसीलिए स्टेम में डाइकार्ट के वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेटरल ओपन होता है, सीसीओ बोलते हैं, पिथ बहुत बड़ा है। तो इसकी स्पेशलाइजेशन सारे सीक्वेंस में लाइन पॉइंट किसके बाद क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस से लेके पिथ तक जरूर याद करके रखिएगा। अगर ये याद रहेगा तो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में वाटर के मूवमेंट के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्लांट एनाटॉमी से भी बनेंगे डाइकॉट सिस्टम से, इसको भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब जो है हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं डाइकॉट रूट के बारे में, तो डाइकॉट रूट के बारे में अगर हम लोग देखें कि क्या इसमें डिफरेंस है, तो डाइकॉट जो है एनाटॉमी आप डाइकॉटिलेडोनस रूट के बारे में देखें तो इसमें सब कुछ सच ही मिलेगा जैसे स्टेम में मिला था, बाहर एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस पे जो आउटसाइड में आपको रूट मिल जो है हेयर मिलेंगे उसे स्टेम तो है नहीं, ये रूट है, इसलिए इसे नाम दिया जाएगा रूट हेयर का। डिफरेंस क्या है, अगर स्टेम था तो उसमें जो है मल्टी सेलुलर था, जबकि रूट हेयर अगर रूट में है हेयर सी तो ये होते हैं यूनिसेलुलर एलोंगेशन, यूनिसेलुलर एलोंगेशन होते हैं एपिडर्मिस सेल के। तो पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर कार्टेक्स, कार्टेक्स के बाद आपको जो है जनरल कार्टेक्स वाली लेयर दिखाई देती है, और फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस दिखाई देती है। इसका मतलब जो पहली लेयर थी स्टेम में हाइपोडर्मिस, यहाँ पे हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है। अगर देखा जाए कि क्या हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पे अब्सेंट है, नहीं पाया जाएगा, याद करके रखिएगा। तो एपिडर्मिस के बाद जनरल कार्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स, फिर आपको एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, देन फ्लोयम, फ्लोयम के बाद में जो है अब आपको यहाँ पे ये देखना है इसकी पोजीशन की, जैसे यहाँ पे अगर स्टेम था तो वहां पे आपको कैम्बियम मिलता था, अब अगर कैम्बियम है तो ओपन टाइम बोलते थे,
कैम्बियम नहीं है तो उसे क्लोज टाइप बोलते हैं, हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिगर देखते हैं, जो एनसीईआरटी का फिगर है आपको दिखाया गया है, अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, रूट अगर है तो वैस्कुलर बंडल रेडियल होता है, जबकि स्टेम था तो आपने देखा था कंजॉइंट कोलेटरल था। यहाँ पे है जो है, जो रूट है इसमें वैस्कुलर बंडल जो है ये रेडियल होता है। रेडियल मतलब एक जो है साइड, एक लाइन पे नहीं होता, जैसे पहले मिलेगा मान लीजिए एक साइड में तो जो है जाइलम रहेगा तो दूसरी साइड में फ्लोएम रहेगा, फिर जो है जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसे एज ए रिंग में पाए जाएंगे वैस्कुलर बंडल। उसके बारे में जब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ लेंगे। स्पेशली इस टॉपिक को जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ रहे हों तो उसकी जो है वाटर के मूवमेंट के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से आप समझ पाए। एनाटॉमी का पूरा डिस्क्रिप्शन आप इसके जो है जब रेगुलर इसका टॉपिक चलेगा उसमें आप पढ़ेंगे, या रेगुलर जो है पूरे डिस्क्रिप्शन वाले जो है वीडियो जब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे सीक्वेंस देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट हेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी देखा कि सबसे बाहर रूट हेयर, रूट हेयर यहाँ पे यूनिसेलुलर है। अगर ये स्टेम होता तो कैसा होता, स्टेम था तो उसे ट्राइकोम बोलते और वो मल्टीसेलुलर होता। ठीक है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस यहाँ अब्सेंट है तो क्या हो गया कार्टेक्स, और ये मेनी लेयर्स होती है, ये पैनकाइमेटस सेल की बनी होती है। जैसे स्टेम में था इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस आपने देखा था अगर ये स्टेम होता तो वहां पे स्टार्च शीथ पाए जाते थे, क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस की सेल में ये जो है डिपॉजिट थे स्टार्च ग्रेन का एकोमुलेशन था तो स्टार्च शीथ बोलते थे। यहां पे अगर ये डाइकॉट रूट है तो यहां पे ठीक है आपको जो एंडोडर्मिस मिलेगा इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स, वहां पे भी थी यहां पे भी थी, ये सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप, शेप याद रखिएगा बैरल शेप सेल है विदाउट इंटरसेलर स्पेस, इंटरसेलर स्पेस इसमें नहीं होता। टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे एंडोडर्मल सेल की डिपोजिशन होगा सुबेरिन का। ठीक है, किसका डिपोजिशन होगा, ये बैक्सी मटेरियल होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो जो एंडोडर्मिस वाली ये बैरल शेप की लेयर देखते हैं, इसी लेयर में जो है इसपे जो है इसके हर सेल में यहाँ पे डिपॉजिट होगा, आप कह सकते हैं ये जो बैरल शेप की सेल है ठीक है इसमें जो है ऐसे एक सेल हो गई, ऐसे फिर दूसरी सेल हो गई, इसी तरीके से जो है बहुत सारी सेल जो है ऐसे रिंग में आपको देखने को मिल रहा है कि अरेंज है, इस तरीके से ऐसी बहुत सारी सेल अरेंज है। तो इसी में इसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे, ठीक है, टेंजेंशियल वॉल पे रेडियल वॉल पे डिपोजिशन है सुबेरिन का। सुबेरिन ये बैक्सी सबस्टेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है बैक्सी सबस्टेंस होता है, और ये वाटर को जो है वाटर के लिए परमेबल नहीं होता है, वाटर के लिए परमेबल नहीं होता। तो जितनी भी जो है एंडोडर्मल सेल हैं इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है और इससे एक पट्टी नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, आप कह सकते हैं किसका नाम दिया गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे पूरे में देखेंगे आप चारों तरफ यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा ये बैरल शेप सेल जो एंडोडर्मिस की है इसमें सुबेरिन डिपोजिशन है और इस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पट्टी नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाटर के लिए परमेबल नहीं है। लेकिन बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता और उस सेल को नाम दिया जाता है पैसेज सेल, और यही सेल रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर के मूवमेंट के लिए, और इसके जरिए वाटर जो है प्रोटोप्लाज्म से होके अंदर जाता है, इस जगह पे मूवमेंट उसका सिम्प्लास्ट होता है, यहाँ पे सिम्प्लास्ट होता है। एंडोडर्मल लेयर को क्रॉस करने के लिए केवल एक ही रास्ता मिलेगा वाटर को, ये पैसेज सेल का। इसके अलावा जितने भी हैं सेल्स उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है तो वहां पे एक स्ट्रिप बन गया, पट्टी नुमा स्ट्रक्चर बन गया जो वाटर के लिए परमेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप जब ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि जो है रूट हेयर, एपिडर्मिस, कार्टेक्स या एंडोडर्मिस, उसके एंडोडर्मिस पे जैसे पहुंचेगा तो वाटर जो है वहां पे सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा या इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं है, जिससे जो है वाटर एपोप्लास्ट के माध्यम से, एपोप्लास्ट पाथवे से अंदर पहुंच जाए तो वहां पे जो है कैस्पियन स्ट्रिप उसके लिए परमेबल नहीं रहेगा। तो वाटर के जाने का खाली एक ही रास्ता कि वो पैसेज सेल से होके गुजरेगा और इस जो है ट्रांसपोर्ट को आप सिम्प्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पेरिसाइकल, आपने देखा था कि जो स्टेम था उसमें पेरिसाइकल सेमी ल्यूनार पैचेज में था, बट यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे
पेरिसाइकल है वो इस तरीके से नहीं दिखाया गया, और यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। अगर ये स्टेम होता तो वहां पे अभी आपने देखा था कि कौन से सेल का बना था, इस क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना था, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम, ठीक है, फिर प्रोटोजाइलम फिर मेटाजाइलम। लेकिन अगर आप इसकी पोजिशन देखें तो जो है प्रोटोजाइलम आपको जो है इस साइड में दिखाई दे रहा है, जबकि मेटाजाइलम आपको अंदर की साइड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रूट है, जैसे स्टेम में आपको मैंने बोला था कि कंडीशन होती है प्रोटोजाइलम की वो होती है एंडार्च, ठीक है, लेकिन जो है अगर रूट है तो इसमें कंडीशन होती है एक्जार्च। क्या होगी? एक्जार्च। एक्जार्च का मतलब ये होता है कि प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम क्या बताया था मैंने, प्रोटोजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम था वो था प्रोटोजाइलम, एक्स मतलब आप समझ लीजिएगा आउटसाइड, एन मतलब इनसाइड, एक्स मतलब आउटसाइड, प्रोटोजाइलम आप कह सकते हैं ये आउटर साइड में होगा। कहाँ होगा? आउटर साइड में, ठीक है। तो जब आप प्रोटोजाइलम देखेंगे तो प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटोजाइलम आउटर साइड में और मेटाजाइलम इनर साइड में, जबकि जो है आपने अगर स्टेम देखा था तो प्रोटोजाइलम वहां पे इनर साइड में था। तो ये हो जाती है पोजीशन इनकी। उसके बाद पित, हम लोगों ने डाइकॉट स्टेम में देखा था जो पित था वो लार्ज था जबकि यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्लोएम की नीचे फिगर में लिखा गया है, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे जो है एक साइड में जो है जाइलम है और दूसरे साइड में फ्लोएम है। आप खुद इस फिगर में देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पैचित मान लीजिए फ्लोएम का है, किसका है? फ्लोएम का है। तो इधर फिर जाइलम है, फिर इधर जो है फ्लोएम हो जाएंगे, फिर इधर जाइलम हो जाएगा, मान लीजिए इधर फिर फ्लोएम हो गए, इधर फिर जाइलम हो जाएगा, इधर जो है फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जाइलम है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे फ्लोएम होंगे, फिर यहाँ पे ऐसे फ्लोएम होंगे, तो कहने यहाँ पे जाइलम है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ये रिंग में पाया जा रहे हैं, अल्टरनेट रिंग पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम की। यहाँ पे जो है ये कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे कि उस तरीके से नहीं है जैसे आपने स्टेम में देखा था। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाया जाएगा जब इस टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या रेगुलर बेचेज में आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। लेकिन एक चीज को आपको समझना है, वहां पे कैम्बियम जो है, कैम्बियम वहां पे आप देखते थे कि किस तरीके से बनेगा, उसके बारे में भी बताया जाता है आपको कि डाइकॉट स्टेम में जब जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसमें कुछ प्राइमरी कैम्बियम होता है, कुछ सेकेंडरी कैम्बियम होता है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। लेकिन अगर ये रूट है डाइकॉट स्टेम की तो ये वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे पेरिसाइकल से बनता है। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन आपको आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा जब जो है आपको मेन टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। इस टॉपिक को स्पेशली मैंने इसलिए जो है आपके लिए बनाया है कि प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर पढ़ रहे हों और उसमें वाटर के मूवमेंट के डायरेक्शन को समझ रहे हों तो वहां पे जो है वहां पे आपको स्पेशली इसके बारे में सीक्वेंस किसके बाद कौन सी लेयर आती है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आप सीक्वेंस को आसानी से समझ पाते हैं, उसके डायरेक्शन को समझ पाते हैं, ठीक है, और कौन बैरियर होता है वाटर के मूवमेंट को उसको आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, और इसके आगे लेक्चर्स को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे जब आपको बताया जाएगा रेगुलर बैचेस या रेगुलर लेक्चर्स कौन से बैचेस में आपको मिल रहा है। अगर किसी को रेगुलर बैचेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ज्वाइन करना है तो जो है हमारे जो है दिए गए नंबर पे, जो आपको नंबर जो है सबसे स्टार्टिंग पेज में दिया होता है, वहां से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रेगुलर ऑफलाइन बैचेस वो भी अभी चल रहे हैं उसको भी ज्वाइन करना है तो उसमें डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी बूस्टर से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आपको एस सच मिलते हैं और रेगुलर वे पे टेस्ट इवेल्यूशन भी आपका कराया जाता है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन बैचेज आपको ज्वाइन करना है तो भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे और आपको बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आप ऑनलाइन बैचेज में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए तब तक के लिए जो है थैंक यू, टाटा बाय बाय।